हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ और गुड न्यूज़ देने वाली हूँ कि थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट अब डिक्लेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो साइट था वो क्लोज्ड हो गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी कोई काउंसलिंग रिजल्ट आने वाला होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका लिंक उसके 1 या 2 घंटे पहले उसको क्लोज्ड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? तो उसको अपडेट करने के लिए उस साइट को क्लोज्ड कर दिया जाता है। तो उसके बाद जैसे कि मैंने अभी चेक किया तो क्लोज्ड हो गया था। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि कहाँ क्लोज्ड दिखा रहा है, तो लेट्स सी। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं यूपी डेलेट की सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम तक आपको पहुँचाती हूँ। तो चलिए लेट्स सी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैं updeled की gov.in वेबसाइट पर हूँ। तो अब आपको ऐसे ही पेज ओपन कर लेना है और आपको सिंपली अपने फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी चला रहे हो तो उसमें सर्च करना है updeled.gov.in और नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखिए पहले क्या हो रहा था कि वो दिखा रहा था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करिए, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अब आप जैसे ही अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, तो देखिए जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखिए यहाँ क्या दिखा दिया कि ऑनलाइन सबमिशन फॉर updeled 2019 इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि आपका थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट कुछ ही देर में डिक्लेयर्ड होने वाला है। कुछ ही देर में क्या मतलब, जैसे 11:46 हो रहा है तो आई थिंक शाम मतलब 12 बजे के बाद ही डिक्लेयर्ड होगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग देखा था, सेकंड काउंसलिंग देखा था, वैसे ही थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट भी 12 बजे के बाद डिक्लेयर्ड होगा। और जैसे ही डिक्लेयर्ड होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइज, तो मैंने सोचा आप टेंशन ना लो, आपको पता होना चाहिए कि साइट क्लोज्ड हो गया है, मतलब कुछ देर में अपडेट होकर फिर से साइट ओपन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। अगर ऐसे updeled की सारी जानकारी पाना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सेकंड काउंसलिंग मतलब सेकंड फेज की काउंसलिंग 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी स्टूडेंट टेंशन ना ले कि मेरा रैंक ज़्यादा है तो हम काउंसलिंग नहीं कराएंगे। लेकिन जिनका थर्ड काउंसलिंग रिजल्ट आने वाला है वो अभी अपना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है गाइज, ओनली 4 अगस्त तक टाइम है। ठीक है, आज 31 जुलाई है, तो आपको सब देख लेना है कि सब सही है या नहीं। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।